वी विल कंटिन्यू चैप्टर 7। हम पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्राइब्स हैं उन्होंने कैसे अपने आप को वर्णा से अलग किया, जो ब्राह्मण्स ने समाज को वर्णाज में डिवाइड किया हुआ था और ट्राइब्स उनसे कैसे अलग हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन आता है, पहला पहला टॉपिक आता है हु वर ट्राइबल पीपल, ट्राइबल लोग थे कौन, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। जो उस समय की, जब ट्राइबल पीपल ने, लोगों ने जब अलग रहना शुरू किया था, तो उस समय के जो इतिहासकार थे, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, आपके समय का या उस समय का, तो उस समय के इतिहासकार जो थे उन्होंने बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी है ट्राइब्स के बारे में। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद हैं। क्या है वो एक्सेप्शन भी, देखिए, जो ट्राइबल पीपल थे वो रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, लिखित में कुछ नहीं रखते थे वो। दीज वर पास्ड डाउन, ठीक है, इनको पास किया जाता था, और उनके जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे वो बोल करके, मतलब जो उन्होंने स्टार्टिंग में अपने पूर्वजों से सीखा, ठीक है, उसके बाद अब वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक उसी रीति रिवाज को, उन्हीं परंपराओं को, ठीक है, बोल करके जो आगे पहुंचाते गए, ठीक है, तो हर एक नई जनरेशन तक ये पास होते गए ऐसे ही। सो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। और प्रेजेंट डे, आज के दिन भी हिस्टोरियंस ने ऐसे ही कुछ ओरल ट्रेडिशंस जो हैं स्टार्ट करते हुए, इसके साथ साथ ट्राइबल हिस्ट्रीज को भी लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द असम कॉन्टिनेंट। और जो जनजातीय लोग हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर हिस्से में पाए जाते थे। द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिड एट पोजिशंस पॉइंट्स ऑफ टाइम। और भी ट्राइबल पीपल का जो क्षेत्र है या फिर उनका प्रभाव है वो समय की परिस्थिति के अनुसार बदलता गया। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। कुछ पावरफुल ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने बड़े भूभाग के ऊपर नियंत्रण रखा। जैसे पंजाब की बात करें, इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th centuries। पंजाब के अंदर जो खोखर ट्राइब है वो बहुत ही प्रभावशाली ट्राइब थी 13वीं और 14वीं शताब्दी में। लेटर गोखर्स वर बिकम द मोर इम्पोर्टेंट। फिर खोखर के बाद जो गोखर्स ट्राइब आई वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई इसी क्षेत्र में। देर चीफ कमल खान गखर, उनका जो मुखिया था, जो गखर समुदाय ट्राइब थी, जो उसका मुखिया था कमल खान गखर, वाज मेड ए नोबल बाय एम्परर अकबर। तो वो एक नोबल बनाया गया था। नोबल क्या होता है, जो मनसबदार, जिसके अधिकार में कुछ गांव आते हैं, कुछ क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो अकबर ने कमल खान गखर को एक क्या बनाया था, मनसबदार बनाया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लेगास एंड अर्गुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। मुल्तान और सिंध के अंदर जो लेगास और अर्गुस ट्राइब थी, ठीक है, उन्होंने जो दूसरी ट्राइब्स हैं उनको सबड्यू किया, डोमिनेट किया बिफोर दे सबड्यूड बाय मुगल्स। लेकिन मुगल्स के आने के बाद उनका प्रभाव कम हो गया, ठीक है। द बलूचिज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब। जो बलूचिज है, बलूची जगह भी है ये, बलूचिस्तान जम्मू कश्मीर, ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी ट्राइब का कहाँ पर कितना प्रभाव रहा, ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, टॉप में नॉर्थ में क्या है, गखर ट्राइब है, ठीक है। गखर्स, खोखर्स, जंजुआस, ठीक है, लेगास और आर्गुस, तो ये कुछ मेजर ट्राइब्स हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइब्स।
ठीक इधर भी दिए हुए हैं, मतलब कि देश के बहुत सारे हिस्सों में काफ़ी तरह की ट्राइब पाई जाती थी। इनमें से कुछ ट्राइब थी जिनका महत्व तो बहुत ज़्यादा था, कुछ ट्राइब ऐसी थी जिन्होंने जिनको मुगल्स ने मनसबदार नियुक्त किया हुआ था, जिनके महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण पद था समाज के अंदर। ऐसे ही देखिए साउथ के अंदर जो ट्राइब दी गई हैं वो हैं भील्स, कोलीज, ठीक है, कोन्स, कोयास, गोन्स। गोन्स जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइब आती है, इसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम होता है गोंडवाना। ठीक, गोंडवाना क्षेत्र ही है। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट ट्राइब थी वो थी बलूचीज। ठीक है, उत्तर पश्चिमी जगह पर, सब कॉन्टिनेंट में। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ, और वो बहुत ही अलग अलग क्लैंस में डिवाइडेड थी। बहुत ही ज़्यादा क्लैन क्या होता है, क्लैन मीन्स वंश, ठीक है, या फिर समुदाय। इसमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक क्लैन इज ए ग्रुप और फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम और कॉमन एंसेस्टर, भी एक समुदाय होता है एक परिवार का, ठीक है, जो ये क्लेम करता है कि वो उनके पूर्वजों से संबंधित हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। जो ट्राइबल संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, जो समुदाय होते हैं, इसको संस्था नहीं बोलेंगे, समुदाय हैं, तो मेनली किनशिप जो उनके रिश्तेदार हैं या फिर जो उनके क्लैन लॉयल्टीज हैं, जो उनके पूर्वज हैं, ठीक है, वो अपने आप को उन्हीं के ऊपर बेस्ड रहती हैं, उन्हीं को अपना पूर्वज बताती हैं। तो देखिए आगे, तो हम नॉर्थ वेस्ट के अंदर बलूचीज जो थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और उसके अलावा वो बहुत सारे क्लैंस में डिवाइडेड थे, ठीक है, अलग अलग मुखियाओं के अंतर्गत। पश्चिमी हिमालय में, इन वेस्टर्न हिमालय, लिव्ड एंड शेफर्ड द ट्राइब ऑफ गद्दीज। ठीक है, जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ पे गद्दीज ट्राइब, गद्दी नाम की एक ट्राइब रहती थी। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज टू एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स। और जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप का, वो पूरी तरीके से कुछ ट्राइब के द्वारा डोमिनेटेड था। मतलब कि उत्तर पूर्व में हमने देखा था अभी मैप में कि अलग अलग हिस्सों में जो ट्राइब है वो फैली हुई थी। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के हर हिस्से में कोई ना कोई ट्राइब पाई जाती। तो जैसे देखा नागास और अहोम्स और मैनी अदर्स। इनमें से अहोम्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, हम आने वाले कुछ अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें बहुत ज़्यादा महत्व था इनका। इन मैनी एरियाज प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो चीफ डम्स एंड हैड एमर्ज्ड बाय 12th सेंचुरी। कुछ एरियाज जैसे अभी प्रेजेंट डे बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, वहाँ पे चेरो चीफ डम्स जो थे, ठीक है, चेरो जो ट्राइब है वहाँ के मुखिया जो थे वो उभर के आए। जो राजा मानसिंह था, अकबर का फेमस जनरल जो सेनापति था, अटैक्ट एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। तो राजा मानसिंह किसका सेनापति था, अकबर्स फेमस जनरल, ठीक है, उसने अटैक कर दिया चेरो ट्राइब के ऊपर 1591 में। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट देर वर नो एंटायरली सबड्यूड। तो उनसे बहुत सारा जो सामान है वो लूट कर वो अपने साथ ले गए, और बूटी क्या होता है, लूटा गया सामान, ठीक है, और उनको अपने अपने जो प्रभुत्व में अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर आगे देखिए, अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फॉर्ट्रेसेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब।
औरंगजेब के शासनकाल में मुगल फोर्सेस ने, मुगल ताकतों ने चेरो फोर्ट्रेस, चेरो जो ट्राइब थी उसका, उसके जो किले थे, ठीक है, उसको अपने कब्जे में लिया और उनको हराया। द मुंडास एंड संताल्स वर अमोंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव इन दिस रीजन। तो बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर चेरो ट्राइब के अलावा जो दूसरी थी, जो वो थी मुंडास और संताल्स, ठीक है, जो ओडिशा और बंगाल में भी पाई जाती थी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस की। मेनली हमने जो नॉर्थ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब हैं, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी जो जनजाति हैं उसके बारे में पढ़ा। तो इसको और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज। अभी हम एक एक करके सभी ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जो ऊंचे जो हाईलैंड्स हैं, हाईलैंड में ऊंची जो जगह हैं, सी लेवल से जो ऊपर जगह होती है उसको हाईलैंड बोला जाता है, जैसे कि माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं। सो प्लेट्यूज भी होते हैं हाईलैंड्स। कर्नाटका जो था वो भी कोलीज जो ट्राइब थी, ठीक है, वो उनका घर था। बेराड्स एंड न्यूमरस, बेराड और कोलीज जो है वो महाराष्ट्र की मेजर ट्राइब हैं। कोलीज आल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात। इसके अलावा जो कोलीज ट्राइब थी वो गुजरात के काफ़ी सारे एरियाज में रहती थी। फर्दर साउथ देर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगास, वेटार्स, मारवाड्स एंड मैनी अदर्स। तो साउथ के अलावा, ठीक है, बहुत सारी ट्राइबल जो पॉपुलेशन थी वो थी कोरगास, वेटार्स, ठीक है, मारवाड़ जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब आती है इसमें, और इसके अलावा दूसरी भी थी। द लास्ट ट्राइब ऑफ बेल्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो बेल ट्राइब थी वो पश्चिमी और जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ तक फैली हुई थी। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड इवन जमींदार्स। तो 16th सेंचुरी के एंड तक, देखिए हमने अभी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो ट्राइबल पीपल हैं उन्होंने अपने आप को समाज से अलग रखा है, ठीक है, जो जिन ब्राह्मण्स ने, ब्राह्मण उन्होंने वर्णा कास्ट सिस्टम जो बनाया था, ठीक है, 4 डिवीजन्स में समाज को डिवाइड किया था, तो उससे अलग रह करके उनके अपने रीति रिवाज, उनके अपने कस्टम्स थे। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो समाज है और जो ट्राइबल जनजातीय समूह है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहता था काफ़ी कारणों से, और इसी के साथ ट्राइबल पीपल का उनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहता था, ठीक है, शामिल रहते थे वो किसी न किसी कार्य में। तो अभी तक हम सभी यही पढ़ते आ रहे हैं कि भी मुगल्स ने उनको कैसे अपना जनरल बनाया, जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है, अकबर ने बनाया, फिर औरंगजेब ने अटैक किया, तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, ठीक है, ट्राइबल पीपल के साथ, और वो उन्होंने काम भी किया, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो बहुत सारे उनमें से ट्राइबल पीपल ऐसे थे, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर या फिर पश्चिमी और जो सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब वो, अब वो जमींदार बन चुके थे, वो उन्होंने खेती करनी भी शुरू कर दी थी, ठीक है। सो मैनी भील क्लैंस नेवरदलेस रिमेंड हंटर गैदरर्स। और जो भील क्लैंस थे, ठीक है, भील मतलब जो भील जनजाति थी, जो उनका वंश था, वो अब हंटर गैदरर्स नहीं रहे थे, ठीक है, उन्होंने काम सीख लिया था। इसके अलावा द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो मेजरली हम नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे मेनली अहोम्स जो ट्राइब है, अहोम्स, ठीक है, और जो गोंड्स है, इन दो ट्राइब के बारे में हम मेजरली पढ़ेंगे।
तो जो गोंड ट्राइब है वो मेनली कहाँ पे पाई जाती थी? द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, भी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर जो गोंड ट्राइब है वो पाई जाती थी, और इनका यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था, सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था।